If you have ever applied for a job, you know the crippling anxiety that comes with it. The tension is no different for students in Uttar Pradesh who have been preparing for competitive exams to get government jobs, but paper delays, exam crisis, court cases, several other things often add to their frustration. ऐसा ही कुछ हुआ पिछले महीने regarding railway recruitment board exam when massive protests broke out in Uttar Pradesh and Bihar. This whole saga indicates that a job crisis is looming in Uttar Pradesh. Outlook से Mayank Jain पहुंचे प्रयागराज के भगारा और सलोरी रीजन टू टॉक टू सच स्टूडेंट्स एंड हियर व्हाट दे हैव टू से अबाउट द जॉब सिचुएशन इन उत्तर प्रदेश. कितने वर्षों से जॉब की तैयारी कर रहे हैं? 10 साल हो गए. 10 का 11 हो गए. तो आपने तैयारी तो नहीं, मतलब बी ए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, अगर वो सब देखते हुए तैयारी, तो मतलब एग्जाम देना शुरू किया मैंने 14 में. तो आपने किस किस चीज के एग्जाम्स दिए हैं? पीसीएस का, आरओ का, एक बार लोअर का दिया था, इस बार टेट का एग्जाम दिया हूँ. अच्छा. और सी टेट का भी दिया हूँ. दोनों में तो ऐसे ही वैसे से कितना समय गुजर गया, तो ये हुआ कि कोई ऊपर रहना ही था, तो नीचे से कोई जॉब लग जाए बस. अच्छा. इतना घर से दबाव पड़ने की वजह से, तो फिर मास्टर लाइन में कोई मिल जाए. छात्रों को बहुत सारी समस्याएं होती है, आए दिन पेपर लीक होता है, छात्र परेशानी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं. कितना वक्त लग जाता है अगर पेपर लीक हो जाता है तो उसके बाद एग्जाम? देखिए सर, अगर बड़ी वैकेंसी है जैसे कि मतलब सीटें कम हैं, तो हो सकता है वो जल्दी कर. जैसे अगर हम देखें यूपीएससी का पेपर, यूपीपीसीएस का पेपर, ये सारी वैकेंसी जो होती हैं 1.5 से 2 साल में क्लियर हो जाती हैं बहुत ही जल्दी. मतलब 2 साल तो, 1.5 से 2 साल तो मिनिमम किसी एग्जाम में लगता है. लेकिन और कोई वैकेंसी देखें, टीचिंग में ऐसी कोई वैकेंसी ही नहीं है जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में न जाए. कुछ ना कुछ आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया तो कॉलेज में क्या कहते हैं, नियुक्ति नहीं देने दे रहे हैं मैनेजमेंट के आदमी. ऐसी बहुत सी सारी समस्याएं आती है. अभी वो लोअर मिडिल क्लास से या पूअर फैमिली से बच्चे आते हैं, जो किसान के घर से बच्चे आते हैं, उनको बहुत सारी तकलीफों का और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण ही वो अपनी कोचिंग नहीं कर पाते हैं. कोई भी एग्ज़ाम होता है तो 3 से 4 साल लग जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है. ये सरकार की खामियां इतनी बड़ी है कि आप पेपर जहाँ छपने को देते हैं वो कंपनी वाला ही लीक कर दे रहा है. आप छात्रों के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? छात्रों का भविष्य है कि घर से इतना प्रेशर रहता है कि बेटा जल्दी से जल्दी नौकरी पाओ, फिर भी सरकार की कमियों के कारण लड़का 4 से 5 साल ही इलाहाबाद में रुक सकता है. बहुत सारी दिक्कतों के बाद भी पिताजी 3,000-2,000 किसी की भेजते रहते हैं, लड़का ट्यूशन पढ़ाता है. कोरोना काल में तो ये दिक्कत आ गई है कि बच्चा ट्यूशन भी नहीं पढ़ा पा रहा है. घर में लोग कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को कोरोना हो जाएगा, स्कूल कॉलेज बंद है, कोई ट्यूशन पढ़वाना नहीं चाह रहा है. लगभग 40% छात्र जब से कोरोना का लॉकडाउन हुआ है इलाहाबाद से पलायन कर चुके हैं. और इससे समझ जाइए कि जो गरीब है वो गरीब बन करके ही चला गया इलाहाबाद से, अपनी सपनों को दबा दफन करके चला गया इलाहाबाद से. वो सपना लेकर के आया था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन ये गरीबी की वजह से, अपने इसके वजह से कि हाँ के खर्चे नहीं पूरा कर पा रहा था, रूम रेंट नहीं दे पा रहा था, बाकी सारी चीज़ों की वजह से वो घर चला गया वो बच्चा. इज दिस वाई ऑलमोस्ट एवरी अदर पार्टी इन उत्तर प्रदेश इज कमिंग आउट विद जॉब प्रॉमिसेस? अखिलेश यादव प्रॉमिस्ड 22 लाख जॉब्स, कांग्रेस प्रॉमिस्ड 20 लाख जॉब्स, SP and BJP also ran their campaigns along several employment opportunities. Do you think this election is going to be about jobs? Let us know in the comments below and join us tomorrow for another ground report. For more in-depth news and views on elections, visit www.outlookindia.com.